हम कहते हैं बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि क्या है। इसलिए हूँ कि इस क्षेत्र में हम लोगों ने उस वक्त आम आदमी पार्टी को जो खड़ा किया है, जिस वक्त लोग जानते नहीं थे, जिस वक्त लोग मजाक उड़ाते थे इस पार्टी को देख के, और आज बहुत अफसोस की बात है कि मंत्री आम कार्यकर्ताओं इस कार्यकर्ता के बीच में नहीं रहते। वैसे में मेरे कार्यकर्ता एक अनिल भाई भी हैं, ऐसे जुझारू कार्यकर्ता हैं कि जिन्होंने सब कुछ करते हुए अपनी माँ को एडमिट करते हुए भी पार्टी के लिए वो खड़े हुए थे। उस दिन वोटिंग का दिन था भाई, ये तो डिसाइड है कि मंत्री, सभी ने कह दिया कि मंत्री का टिकट कटना चाहिए और कटना चाहिए। मेरी एक अध्यक्ष जी से ये है गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि एक कोर कमेटी बना ले, 10 आदमी का 12 आदमी का एक कोर कमेटी बना ले, ताकि फिर हम लोग उसमें डिसाइड कर लें कि हमें क्या स्टेप लेना है। वैसे तो हमें सीएम साहब के पास जाना ही जाना है, लेकिन ये एक दो दिन के अंदर हो जाए, कोर कमेटी जो हो जाए वो एक दो दिन के अंदर हो जाए, और वो बैठ के डिसाइड कर लें कि हाँ कैसे किस तरह से आगे बढ़ें। अगर एक हम कहेंगे हम इस तरह से आप चलो, आप ये कहेंगे कि हाँ इस तरह से चलो, तो ऐसे में नहीं काम होता। हाँ वो बट करना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद जी ही जो मिलेंगे सबसे नहीं मिल सकते, वो 8-10 आदमी से ज्यादा से नहीं मिल सकते, बाकी हमारे साथ मेरा यही करना है कि एक और कमेटी बन जाए और इस पे काम कर दिया जाए, जल्द से जल्द कर देगा एक दो दिन में, और उसके बाद फिर आगे की रणनीति ना मतलब 10 तारीख से पहले पहले हो जाए। अच्छा सैंपल लेने वाले और समय कम है और एरिया में विधायक जी का कोई संतोषजनक कार्य नहीं रहा है, न किसी कार्यकर्ता के साथ उनका सदव्यवहार रहा है। हमारा सबसे ये है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और हमारे जाने किसी को भी इसमें से या दूसरे को विधायक की जगह लड़ा दे तो सबसे पहला आदमी दूंगा जो 5 लाख रुपए दूंगा। अगर विधायक की जगह कोई इस क्षेत्र का किसी और को केजरीवाल जी टिकट देते हैं तो मैं उसके समक्ष में 5 लाख रुपए का ऐलान करता हूं। इनका क्या है कि 20-25 तो ये अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, कोई मंडोली का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, जय भीम वाले, और कुछ 10-5 आदमी इनके वो कारकुरंदे होते हैं जो के दफ्तर में सामने ले रहा हूं हालिया, फिर घुमा लो सारे तरफ, वो करीब 25-30 हो जाते हैं। कुछ हम मीटिंग करते हैं वहां से 4-6 ही कार्यकर्ता होते हैं, सामने वालों को ये दिख जाते हैं भाई ओहो इस मोहल्ले में 50 आदमी मीटिंग है, मगर उनसे पूछा जाए कि इस मोहल्ले के या इस ब्लॉक के कितने कार्यकर्ता हैं तुम्हारे साथ, तो मुश्किल से 5 मिलते हैं। तो हमारा सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर केजी के साथ अपने साथ जुड़े और हमारे जो केजरीवाल साहब हैं उनके काम पर ये घूम रहा है, इसका बेहतर काम कोई नहीं है। एक समय वो भी हमने देखा था कि पुलिस वालों के लिए थाने वारंट आ गए थे कि अगर आम पार्टी का कार्यकर्ता हो तो इस पर केस बना के अंदर दे, उस समय भी हमने वो उस समय देखा था, किंतु विधायक जी का कोई रोल नहीं रहा। वीडियो कार्ड तो मैं भी दूंगा, तो हमारा तो केजरीवाल के पैर जो जो जोड़ना है खाली नहीं बनानी, हम पार्टी का नुकसान नहीं होने देंगे, मगर इसका टिकट कटना चाहिए और किसी भाई कोई भी किसी को भी ना करके सीएम के पास चलना है, कितने लोग चल रहे हैं, वहाँ पे जाके मैं क्या क्या बातें करनी है,
जिन बातों का सीएम साहब के माइंड पे प्रभाव पड़े हम उसे वही बातें कर लिए जिससे कि उनका टिकट आसानी से कट सके, कि हम सब लोगों का यहाँ पे जो सबको उद्देश्य यही है कि उनका टिकट कटे और उसी उद्देश्य को लेकर चलना है। टिकट के लिए सभी जगह टिकट नहीं चाहिए, अगर 1% गौतम जी का टिकट नहीं करता है तो आप एक काम कर सकते हैं, काम नहीं करेंगे, मगर पार्टी की जो वफादारी है पार्टी काम कर रही है, आप काम मत करना और कोई आदमी ऐसा काम मत करना कि गौतम को टिकट मिला हम वोट भी नहीं डालेंगे, उस आदमी वोट जरूर डालना पार्टी के लिए, और पार्टी को वोट नहीं मिलेगा तो पार्टी कमजोर पड़ जाएगी, तो पार्टी ये विधानसभा जो अरुण जी की गौतम जी की नहीं है, ऐसा ना हो गौतम का चक्कर में हम वोट डालने लग जाए, तो इसलिए मेरा तो मानना ये है टिकट की लड़ाई तो हमारी अपनी है, कार्यकर्ताओं की है, मगर कोई भी आदमी अपनी विधानसभा से किसी वोट का हो तो क्या आपने ऐसा कुछ निर्णय कर रखा है पहले ही, क्या आपके पास चेहरे उपलब्ध है ऐसे पहले वो ये कहे तो सही चेहरा तो अपने आप निकल जाए पहला टारगेट जो है हमारा अपनी बात को वहाँ रखना है, और जब हम अपनी बात वहाँ रखेंगे ना तो वो कहते हैं विचार करेंगे।